चिकित्सालय में व्यवस्थाओं को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने किया निरीक्षण। विधायक अभिषेक मिर्सी के आग्रह पर भाजपा नेताओं ने बताई चिकित्सालय की अनेक समस्याएं। आपको बता दें कि राजदेसा कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार व्यवस्थाओं को लेकर, चिकित्सकों के रिक्त पदों को लेकर राजदेसा कस्बे के अनेकों लोगों ने कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। साथ ही मंगलवार को रतनगढ़ विधायक अभिषेक मिर्सी को भाजपा नेताओं ने दूरभाष पर चिकित्सालय में एक ही चिकित्सक होने की बात को लेकर चिकित्सा स्टाफ में आपस में समस्या नहीं होने के कारण भी अवगत करवाए। इसी को लेकर अभिषेक मिर्सी ने निर्देश दिए कि चिकित्सा कर्मियों की व्यवस्था का सुधार जाए और तुरंत ही विभाग की तरफ से कार्रवाई भी की जाए। आज के चिकित्सालय में स्टाफ की गुटबाजी, स्टाफ की कमी, सफाई व्यवस्था बहुत सी कमियां थी, इसको लेकर कस्बेवासी लगातार आपको अवगत करा रहे हैं। माननीय विधायक महोदय के अर्थक प्रयास से आज आपने राज्य के चिकित्सालय का निरीक्षण किया है, क्या क्या दिशा निर्देश दिया, क्या क्या कमियां मिली है। सुनने में आ रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी 6 गायब हुए हैं, ये क्या यह सत्य है, जानकारी दीजिए। लंबे समय से यहाँ पे स्टाफ की काफी कमी चल रही थी, इसके चलते आम लोगों को परेशानियां हो रही थी। इसी चलते मैं आज यहाँ पे रिजेक्ट में आया था। हाँ, जो जो कुछ ऐसी कमियां थी जो तुरंत प्रभाव से दुरुस्त की जा सकती थी, किसी आपसी समन्वय की कमी की वजह से वो दूर नहीं की गई, उन्हें तुरंत प्रभाव से दूर किया गया है। सिलेंडर जो गायब होने की आप कह रहे हैं, जो जहाँ तक मुझे अभी विजिट के दौरान जानकारी मिली है, ये वो ऑक्सीजन सिलेंडर